से सुरूर है, अजर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है। आपस आ तो क्यों दूर है, ये इश्क का जो फितूर है, नशे में दिल तेरे चोर है। Really beautiful. कल रात जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। I'm your teacher. कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन मुझे पड़ता है। मैं जानता हूँ तुम्हारा मूड खराब है। मेरे पास ना तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट है, you know? Stop it. I'm not liking it. I know, तुम टेंशन में हो। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारी हर नाम में हाँ होती। पागल हो गए हो तुम? क्या कह रहे हो? और तुम्हें कैसे? Listen, I'm sorry, okay? कल रात के लिए मैं परेशान थी and in the heat of the moment सारी गलती मेरी है, okay? I should have been more strict with you. मेरी बात सुनो। चल मेरी बात सुनो। नहीं, I know तुम टेंशन में हो, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही तुम्हें, लेकिन टाइम दो, ये ठीक हो जाएगा, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? हम इस बारे में अब कोई बात नहीं करेंगे रोहन, ओके? तुम एक अच्छे लड़के हो, ओके? तुम्हें कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी एंड शी विल बी परफेक्ट फॉर यू, बट दैट्स नॉट मी। तुम्हें भी अपनी स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट कर, ओके? जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा। उसे कैसे भूल जा? रोहन, मेरी बात सुनो। मैंने रोहन, जस्ट गो। ग्यारह कॉल्स बेब, इतना अगर मैंने अपना एक्स बॉयफ्रेंड को किया होता ना तो वो एक्स नहीं होता। तुझे बताया तो था इन्वेस्टर की मीटिंग है एंड यू जस्ट बेब यार। आई सेड आई एम सॉरी। वैसे तूने जो किया अच्छा किया, गुड, यू एंडेड दैट। अच्छा अब इस बारे में ज्यादा मत सोच, सब भूल जा। ये अमीर लड़के होते ही ऐसे हैं, स्पॉइल्ड ब्रैट्स। नहीं आदिति, ही इज नॉट अ स्पॉइल्ड ब्रैट, He's a nice guy. तो शायद उसके पेरेंट्स से उसे ज्यादा टाइम नहीं मिलता होगा, इसलिए he tries to find love in others. But don't worry, he'll be fine. I just hope कल रात जो भी हुआ वो उसकी लाइफ पे लास्टिंग इम्पैक्ट ना छोड़े। अब तो उसके बारे में ज्यादा मत सोच, आजकल के यंग बच्चे ना कुछ भी सीरियसली नहीं लेते। और हाँ,
मैंने बड़ी मुश्किल से ना इन्वेस्टर को दूसरी मीटिंग के लिए कन्विंस किया है, सो प्लीज इस बार कोई गुफा पर करना, बी ऑन टाइम ओके। और प्लीज तू ना इस रोहन के चैप्टर को क्लोज कर, आई एम श्योर वो भी सब भूल चुका होगा। अरे अभी तो पार्टी शुरू कर रहे हो तुम लोग। सॉरी सर आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया है। अब दूसरा कार्ड देता हूँ मैं, हो जाता है कभी कभी। चलो यार सॉरी सर ये कार्ड भी डिक्लाइन हो गया है। यार एक बार वो चेक करो ना इसको। अरे इट्स ओके यार मैं पे कर देता हूँ, मैं तुझे कल देता हूँ। अरे इट्स ओके ब्रो यार तुम्हारे लिए इतना करता है। थैंक यू यार। अरे चलता है यार। थैंक यू यार, पता नहीं कैसे हो गया सारे कार्ड साथ में तो कभी ब्लॉक। मैं कल बैंक में पता करता हूँ। अरे होता रहता है यार, कैसी बात कर। क्या है ना रोहन के डैड ने रोहन के सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिए होंगे। ये डैड के कहने पर कानपुर नहीं गया ना, शिखा मैम के चक्कर में इधर उधर यू नो कुछ काम नहीं किया इसने। Maybe dad, you know how dads are. But Ron, तो कितना cool है यार, मतलब तो अपने डैड के अगेंस्ट चला गया और शिखा मैम कमाल है यार। यार रोहन के डैड रोहन से इतना गुस्सा है कि आज रोहन को गाड़ी भी नहीं दी, हम दोनों बिना गाड़ी के यहाँ तक आए, यू नो कितना ज्यादा गुस्सा है। बट रोहन तू चैंप है डूड, और मुझे पता है कि तू अपने पेरेंट्स को ना कन्विंस कर लेगा, वो भी अपने स्टाइल में। वो क्या करता है तू, मेरा स्वाइप है ना। चूंकि अभी काम नहीं कर, चलो निकलते हैं यार। तेरा कार्ड। हाँ कितने दिन गुस्सा होंगे ना। और तू एक काम कर, तू थोड़ा सेंटिंग मार लेना। देख आज नहीं तो कल तेरी कार और तेरे कार्ड दोनों तेरे पास वापस आ जाएंगे, तो टेंशन मत ले यार। ठीक है चल मिलता हूँ। बाय बाय। अच्छा निकल गया वो लोग। कार रेंटल की पेमेंट नहीं, तो एक या डेढ़ लाख हो चुका है। तो ऊपर से शॉपिंग ये पार्टी, और अब तूने बड़ी गाड़ी भी ले ली है, तू कर क्या रहा रोहन। कार रेंटल का अमाउंट 1,65,000, पांचों कार्ड्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 8,24,000, इस महीने हमने जो खर्च किया 1,74,255 यानी कि सब मिला के हुआ 11,63,055। ये कैलकुलेशन मैं कैलकुलेटर पे भी कर सकता हूँ, तो तू मुझे ये मत बता, मुझे ये बता कि इसका सॉल्यूशन क्या है। कैलकुलेशन नहीं, इतने पैसे हम कहां से लाएंगे। वी आर ओवर 11 lakhs डाउन, और एक कार रेंटल वाला और बैंक वाले इनकी क्रेडिट कार्ड के रिकवरी एजेंट मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं। तो ठीक है फोन ऑफ कर दे, सिम तोड़ के फेंक दे। फिर भी पकड़ लिया तो ऐसे कैसे पकड़ लेंगे, घर का एड्रेस उनके पास नहीं। कॉलेज का तो है ना मिस्टर स्वाइप मास्टर। कॉलेज का है लेकिन मैंने रेंटल अग्रीमेंट में नाम गलत लिखवाया था, रोहन गुजराल। सुन मेरी बात, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, हम नहीं फंसेंगे, बिलीव कर। रोहन ऊपर आ जल्दी। हाँ माँ आया। तू तो निकल, कछुआ मिलता हूँ। हाँ।
कहीं के भी मैं शिफ्ट करने वाला हूँ। ये हमारा जो 5 BHK डुप्लेक्स है वो थोड़ा छोटा पड़ता है। एम्बिशियस मुझे होना चाहिए लेकिन मुझसे ज्यादा एम्बिशियस वो है। इट्स सो कूल यार। मेरे डैड इज अ बिल्डर। एक्चुअली क्या है वो पहले बिल्डिंग्स बनाते थे अभी टाउनशिप प्लान करते हैं। एम्बिशियस मुझे होना चाहिए लेकिन मुझसे ज्यादा एम्बिशियस वो है। वाओ यार बिल्डर। हम जितने पॉसिबल क्रेडिट कार्ड है ना सब अप्लाई करेंगे। एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरा बैंक भरेगा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, और जब तक ये आपस में बिल भरेंगे ना हम मैश करेंगे। ऐसा गया आज का कॉलेज का दिन? अब अच्छा था। अच्छा वैसे तुम्हारे कॉलेज गया था मैं आज प्रिंसिपल साहब से मिलने, तो कॉलेज में नहीं था तो मैं नहीं लगता कि तुम अपने दोस्तों के साथ कुछ ज्यादा ही आवारागर्दी कर रहे। आप रहने दीजिए आपका बीपी बढ़ जाएगा। बीपी तो वैसे भी बढ़ रहा है तुम्हारी इस औलाद की वजह से। मैं बात करती हूँ ना इससे, अब शांत हो जाइए। देखो ठीक से समझा दो उसे। गोरखपुर से लखनऊ सिर्फ और सिर्फ इस लड़के की वजह से आए थे हम, ताकि ठीक से पढ़ाई करे, अच्छी नौकरी हासिल करे। कहाँ घूमता रहता है आजकल? मैं देख रही हूँ रोहन तू काफी बदला बदला सा लग रहा है। ये महंगी घड़ियाँ, ये महंगे कपड़े, ये महंगे सामान, ये सब कुछ कहाँ से ला रहा है तू? क्या मतलब कहाँ से ला रहा हूँ मैं? तुम लखनऊ के बच्चों को जानती, महंगी महंगी चीजें, महंगी महंगी गाड़ियां लेके घूमते, और उनके सामने मैं गोरखपुर का गवार। पता है एक साल पहले जब हम यहाँ पे आए थे तो कोई मुझे नोट्स तक नहीं देता था, तो कोई और मदद तो बहुत दूर की बात है माँ। बेटा इतने पैसे कहाँ से ला रहा है तू जो इतने महंगे सामान ला रहा है? माँ मैंने मेरे दोस्तों की मदद की थी मैथ्स एग्जाम से पहले, तो उन्होंने गिफ्ट दिए। अच्छा और तेरे पापा को प्रिंसिपल ने बताया कि तू आजकल एक बड़ी सी गाड़ी में घूमता रहता है? कहाँ से आई ये गाड़ी तेरे पास? कौन सी कार माम? और मेरे पास कार कहाँ से आएगी? मेरे दोस्त की थी। रोहन तू सच कह रहा है ना? हाँ माँ। बैंक वाले क्रेडिट कार्ड वाले अपनी रिकवरी के लिए बार बार कॉल कर रहे हैं। रोहन कुछ समझ आया कि कार्ड कैसे ब्लॉक हुए? बता रहा हूँ एक सुन, शिखा के लिए जो रिंग ली थी ना उसकी वजह से हम ओवरड्राफ्ट में चले गए। कार्ड से एक दूसरे की पेमेंट नहीं कर पा रहे। एक सेट समझाता हूँ। ये देख ये है पहला कार्ड जिसकी लिमिट है 3 लाख रुपए। अब हमने इससे रिंग तो ले ली लेकिन इसकी पेमेंट करने वाला था ये दूसरा कार्ड जिसकी लिमिट है 2 लाख रुपए, लेकिन उससे हम 1.5 लाख रुपए ऑलरेडी खर्च कर चुके। इसकी पेमेंट करने वाला था ये तीसरा कार्ड जिसकी लिमिट है 2.5 लाख रुपए, लेकिन इसमें से भी 1.5 लाख रुपए हम ऑलरेडी खर्च कर चुके। तो ये कार्ड पेमेंट करने वाला था इसकी और ये कार्ड पेमेंट करने वाला था इसकी, और जब ऐसा नहीं हुआ तो आगे की पूरी साइकिल गड़बड़ा गई। और हमारी लिमिट जो कि 10 लाख रुपए थी हम उससे 1.5 लाख रुपए ऊपर ट्रिप में जा चुके हैं। क्या परेशान मत हो, मैं बाद में फोन करता हूँ। जी सर वो कार मेरी है, मैंने ही रेंट पे दी थी। रोहन और अभिषेक नाम है उन लड़कों का, लेकिन साहब वो 3-4 दिनों से मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं और पिछले महीने का रेंट भी नहीं दिया साहब। रोहन गुजराल, अभिषेक मलिक। भाई साहब
इस नाम की कोई लड़की इस कॉलेज में नहीं है। अगर नाम गलत बताया है तो शायद कॉलेज भी गलत बताया होगा। नहीं साहब, कॉलेज तो यही है क्योंकि मेरा गैरेज पास में ही है और वो गैरेज आकर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते थे। जब कभी वो मेरा फोन नहीं उठाते थे तो मैं रेंट लेने के लिए यहाँ पर मिलने आता था, तो यही मिल जाते थे। अगर कॉलेज यही है तो अभी तक कोई मिला क्यों नहीं? सर, 3-4 दिन में हमने इस कॉलेज की पूरी छानबीन की लेकिन इस नाम के लड़के इस कॉलेज में नहीं है। एक काम करो, कौन से लड़के पिछले 3-4 दिनों में कॉलेज में एबसेंट हुए पता करो, स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ और इनसे उन दोनों लड़कों का स्केच बनवाओ। देखते हैं कब तक भागेंगे। ₹11,63,055। कई सारी बैंक्स इन दोनों को ढूंढ रही है, खासकर रोहन को। अगर ऐसा कैसे इंस्पेक्टर साहब? क्योंकि सारे क्रेडिट कार्ड्स रोहन के नाम पर, कुछ 10 लाख के पेमेंट आउटस्टैंडिंग है और अभिषेक पर सिर्फ 1 लाख का कुछ। देखिए सर, अभिषेक मेरा बेटा है और रोहन के चक्कर में आकर ये फंस गया है। मैं बेल के लिए अप्लाई करता हूँ और जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है मैं कैसे भी करके चुका दूंगा, आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, दोनों बच्चे एक साथ थे तो? जी नहीं, ये सब आपके बच्चे की वजह से हुआ है। क्रेडिट कार्ड उसके ही नाम पे है। माफ कीजिए मुझे, मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ, आप अपना देख लीजिए। चलो तेरी बेल हमने नहीं, उन्होंने करवाई। कॉलेज से पता चला क्या हुआ? आई वॉज शॉक्ड। आई एम सॉरी। गुड, यू शुड बी। लेकिन तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बेल क्यों दिलवाई? तुमने कहा था ना कि एवरीवन डिजर्व्स अ सेकंड चांस। हम सब गलतियां करते हैं लेकिन एक गलती की वजह से पूरी जिंदगी वेस्ट कर देना, दैट्स नॉट फेयर, राइट? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारी क्या गलती? एक गलती हो तो बताओ। कार्ड्स, फॉर्जरी, फ्रॉड? नहीं, ये तो पुलिस के अकॉर्डिंग तुम्हारी गलती थी। तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या थी तुम्हारी गलती, मैं बताऊं? तुम्हारा ये सोचना कि तुम पैसों से सब कुछ खरीद सकते। रोहन, फ्रेंड्स पैसों से नहीं खरीदे जाते, फ्रेंड्स तो बनाए जाते हैं। अगर पैसों से खरीदे जाते तो आज वो हर एक फ्रेंड तुम्हारे साथ खड़ा होता ना, जिसपे तुमने पैसे खर्च किए। और शायद इसीलिए आप भी यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक दिन, तुम्हें लगता है कि मैं वो डायमंड रिंग और गिफ्ट की वजह से आऊं? नो रोहन, उस रात तुमने मुझे जो कहा वो मेरे दिल को छू गया। अब हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, because I liked you. कल सुबह शार्प 9 o'clock 59 गोमती नगर आ जाओ। 59 गोमती नगर क्यों? मैंने एक फाइनेंशियल एडवाइजिंग फर्म शुरू किया और मुझे ना तुम्हारे जैसे शार्प इंटर्न्स की जरूरत है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP आपकी हेल्प करता है होम लोन्स, एजुकेशनल लोन्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस में। क्रिएशन का कोई भी वीडियो मिस ना करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।